नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग माधव निदान का बहुत अच्छा क्लास हुआ, इसके बाद में अष्टांग हृदयम का हमारा सेशन शुरू हो गया। संहिता पाठन पठन करना ही एक रसायन है, इससे बुद्धि को ग्रहण होता है, बुद्धि को एक नया चीज मिलता है, नया चीज ज्ञान मिलता है, अपनी मेधा की अग्नि प्रदीप्त होती है और हमारा आयुष्य जो है, क्योंकि रस रक्त मास में दस्ती मज्जा शुक्र, इसको तर्पण मिलना बहुत जरूरी है, तो इससे नरिशमेंट होता है। जितना इंसान पढ़ाई करता है उतना ज्यादा दिन तक जीता है, और अगर वो पढ़ाई लिखाई ब्रेन का यूज कम करेगा तो उसका बीमारी हो जाएगा, इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 43, 44, 45 नंबर का श्लोक पढ़िए, और आपके पीछे नहीं शायद ये हो चुका है, ये शायद हो गया सर, हो गया ये 46 नंबर का श्लोक। जी जी जी, उच्च भाषण जन्य स्वर भेद की चिकित्सा। वाह, शर्करा क्षौद्र मित्राणि श्रुतानि मधुरे सह विवेत पयांसी यस्यो वर्धतो अभिहत स्वर। ऊंचे जोर से बोलने पर जिसका स्वर बैठ गया वह जीवनीय गण की औषधियों से पकाए दूध को शर्करा और मधु से मिलाकर पिए। जी वह जी जी, जो लोग बहुत जोर जोर से बोलने की वजह से स्वर बैठ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी बहुत सारे नेता लोग चुनाव में जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे बोल बोल के उनका आवाज बैठ जाता है। तो आप लोगों का ये परम धर्म है कि आपके फेवरेट नेता लोगों को आप ये जीवने गण की दवाइयां, जैसे कि जीवक ऋषभक मेधा मामेधा काकोली शिर काकोली मुद्गपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, ये सब मिले तो ठीक है, नहीं तो अष्टवर्ग के भी चीज ले सकते हैं। जीवक ऋषभक नहीं मिले तो कोई बात नहीं, या फिर यष्टि मधु कोई भी एक दो द्रव्य भी मिले उसको दूध से पका के शर्करा और मधु डाल के वो अपने नेता को दीजिए, या फिर जो लोग ज्यादा भाषण करते हैं ज्यादा बोलते हैं और आवाज बढ़ गए तो ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी 46 नंबर का श्लोक का हम टीका पढ़ेंगे। कृपया म्यूट रखिए जी, ये आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, कौन पढ़ना चाहेगा टीका? वैद्य कविता जी आप पढ़ेंगी प्लीज मैम? वैद्य कविता जी अगर आप सुन पा रही हैं तो आप ये पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये यस्योच्चय भाषण, मैम का आवाज ही चला गया, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। श्लोक नंबर कौन सा है? 46 जो श्लोक है उसके नीचे टीका है अरुणदत्त जी की। हाँ जी सर, हाँ पढ़िए। यस्य उच्चैर् भाषमाणस्य खरोभिहत् स मधुरैः। खरो नहीं है, स्वरोभिहत् जी। स्वरोभिहत् स मधुरैः जीवनीयैः सह श्रुतानि शर्करा माक्षिक मिश्राणि पयांसि पिबेत्।
जी, आपको इसका अर्थ क्या समझ आ रहा है, बताने का कोशिश करिए। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे उच्च ही भाषा मानस से, जो उच्चे से बोल रहे हैं, उच्चे हाँ से बोलने के कारण जिनका स्वर अभिहत, जिनका स्वर अभिहत हो गया है, मतलब स्वर साध हो गया है जिनको, स मधुरई जीवनीय ही सह, मधुर और जीवनीय गण के द्रव्यों के साथ श्रुतानी शर्करा माक्षिक मिश्राणी पयांसी, मतलब पयांसी मतलब जो दूध होता है उसको शर्करा और माक्षिक मिक्स करके जीवनी और मधुर गण के द्रव्यों के साथ उसको पीना चाहिए। हाँ, श्रीताने मतलब पहले काढ़ा बनाना है, फिर हाँ जी उसमें दूध डाल के पहले, शीर पर। हाँ जी फिर हाँ, शीर्षक। कितना बढ़िया पढ़ी मैम। आप लोग को शायद मालूम नहीं है, वैद्य कविता जी जो है ना, इनका नाम पूरा नाम है वैद्य कविता व्यास। इन्होंने MD किया हुआ है, संहिता में ही किया हुआ है। और मैम जो है ये CCRAS में रिसर्च ऑफिसर है, बहुत ही बड़ा बड़ा रिसर्च करती है आयुर्वेद के लिए। मैम आपका भी क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, कृपया बताएंगी सभी लोगों को। सर अभी हमारा एक चल रहा है, एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी चल रहा है, जितने भी रस औषधि यूज होते हैं आयुर्वेद में, जी तो 11 रस औषधि उसमें लिए हुए हैं, तो उनका कोई सेफ्टी स्टडी है एक तरीके से, क्योंकि जनरली सब बोलते हैं कि आयुर्वेद के जो रस औषधि होते हैं वो सेफ नहीं होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करने के लिए ये हमारे सभी सेंटर्स पे ये मल्टी सेंट्रिक स्टडी चल रहा है। जी उसके अलावा उसमें रसकल्प कौन कौन से यूज हो रहे, मतलब कौन कौन से 12 में से कुछ बताइए। इसमें आरोग्यवर्धिनी, चंद्र प्रभावती, सूतशेखर, स्मृति सागर रस, जी प्रभाकर वटी, लक्ष्मी विलास रस। जी अनुरिता मैम, देखिए मैम CCRAS में रिसर्च ऑफिसर हैं, ये लोग बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, आपको बहुत काम आएगा आपके फॉरेन के पेशेंट को कन्विंस करने के लिए। मैम से कांटेक्ट में रहिए, ठीक है। तो आप लोग मतलब क्या एनिमल स्टडी करते हैं, ह्यूमन स्टडी करते हैं, क्या करते हैं। सर एनिमल स्टडी के लिए अलग सेंटर है हमारे, जी जैसे जिनके पास एनिमल हाउस होता है वैसे दो सेंटर है हमारे, बाकी जी लिटरेरी रिसर्च के लिए पुणे में हमारा सेंटर है, हाँ, पुणे में वहाँ है, एरंडवना में। हाँ बाकी हाँ अलग अलग सेंटर पहले मैंडेट वाइज होता था, अभी मैंडेट हट गए हैं, मतलब कोई भी सेंटर कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकता है, तो क्लिनिकल स्टडीज भी करते हैं, एनिमल स्टडीज भी करते हैं, और लुधियाना में हमारा पशु आयुर्वेद से रिलेटेड भी रिसर्च सेंटर चल रहा है, जिसमें मतलब पशुओं में जो आयुर्वेद होता है उसका स्टडी करते हैं। जी आप मैम कितनी इंटेलिजेंट है, तभी तो इतना अच्छा पोस्ट पे आप इतना अच्छा रिसर्च कर रही है, प्राउड ऑफ यू मैम। कविता मैम, मैं थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में, मुझे जी थोड़ा सा बताइए आप क्या बता रही थी रिसर्च के बारे में। अनि सर पूछ रहे थे कि आप कौन कौन से रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी कि अभी जैसे मल्टी सेंट्रिक स्टडी एक चल रहा है जिसमें रस औषधियों का सेफ्टी स्टडी चल रहा है, और भी दूसरे भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं जैसे अलग अलग सेंटर्स में, एनिमल हाउस जहाँ पे है ऐसे दो सेंटर्स में जो है वो मतलब फर्स्ट स्टेज का क्लिनिकल, फर्स्ट स्टेज का रिसर्च वो जो होता है एनिमल्स में होता है, इसके अलावा पशु आयुर्वेद का हमारा लुधियाना में सेंटर एक चल रहा है, और बाकी क्लिनिकल पुणे में लिटरेरी रिसर्च का सेंटर है हमारा, बाकी क्लिनिकल रिसर्च तो हर सेंटर पे होते ही होते हैं। तो आप बेसिकली मैम, आपका थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। कहाँ से MD किए हैं, क्या किए हैं, सब अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैंने MD और PhD संहिता में किया है जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से, और अभी तो मैं हिमाचल में पोस्टेड हूँ एज ए रिसर्च ऑफिसर। तो ये सेंटर्स गवर्नमेंट के हैं, ये प्राइवेट सेंटर्स हैं, कैसे हैं? नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, ये पूरे इंडिया में 20 सेंटर्स हैं, और हर एक स्टेट में लगभग एक ही होता है, किसी किसी जगह पे ही एक स्टेट में दो हैं, जैसे दिल्ली हो गया जहाँ पे एक मेन सेंटर है और दूसरा रिसर्च सेंटर है, उस तरीके से बाकी स्टेट वाइज एक ही सेंटर होता है।
मैम इन सेंटर्स की लिस्ट और डिटेल्स थोड़ा आप PCRS का है ना वेबसाइट? हाँ मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ, हाँ वेबसाइट बता दीजिए, CCRAS.NIC.IN। हाँ CCRS तो है। हाँ जी जी। और मैम आप इतना पढ़ाई किए, PhD भी किए, MD PhD इतना किए, कितना मेहनत किए लाइफ में? गुड कविता मैम। डॉक्टर कविता मैम गुड मॉर्निंग, आपके थोड़े से आयुर्वेद रिसर्च के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू नो बिकॉज यू आर वन ऑफ द साइंटिस्ट हमारे आयुष दर्पण में से बोलेंगे। हाँ जी। काम कैसे रहता है या किस तरीके से किया जाता है? हमारे जैसे अभी तो पिछले साल हमारे 3-4 प्रोजेक्ट कंक्लूड हो गए हैं। जैसे क्लिनिकल पहले हमारा मैंडेट जो था वो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स पे था, तो ज्यादातर जो पास्ट में हमारे रिसर्च हुए हैं वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज पे, जैसे एनीमिया हो गया या दूसरे जो डेफिशिएंसी पे ज्यादा रिसर्च होता था। पर अभी तो मैंडेट हट गए हैं तो हम कोई भी क्लिनिकल स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने जो जो किए हैं उसमें एक तो मैंने जो अभी रस औषधि वाला बताया, इसके अलावा एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने किया है द्राक्षावले का क्या इफेक्ट होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, वो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और माइल्ड स्टेबल ब्रोंकियल अस्थमा में अपामा क्षार और अगस्त्य हरित की रसायन उसका एक प्रोजेक्ट चला था, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हुए हैं। बाकी हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे SC ST होता है शेड्यूल कास्ट सब प्लान, तो उसमें भी मैं PI हूँ, तो उसके अंडर भी कुछ IMR प्रोजेक्ट्स चलते हैं। जैसे मेन तो हमारा SC ST है, तो जैसे हम विलेजेस सिलेक्ट करके उसमें सर्वे करते हैं शेड्यूल कास्ट का, जिसमें उनका डेमोग्राफिक स्टेटस, हेल्थ स्टेटस, प्रेवलेंट डिजीजेस, ये सब स्टडी करते हैं। इसके अलावा अभी उसमें 2 IMR हमारे चल रहे हैं, एक NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सर्वे का स्टडी है, और दूसरा है जो परसीव्ड स्ट्रेस होता है उसमें हमारी एक कोडेड ड्रग है CCRS की आयुष SR, उसका क्या इफेक्ट है उसके लिए एक IMR चल रहा है। इसमें ड्रग स्टडी और डिसीज स्टडी ऐसे ट्रायल्स चलते हैं या आप मॉब में देख कैसे मतलब? हाँ ड्रग स्टडी, जैसे ड्रग का भी झांसी में हमारा सेंटर है, तो जो मेनली केवल ड्रग के ऊपर करने होते हैं तो फिर वो वहां पे होते हैं जिन सेंटर्स में फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे यहाँ जैसे क्लिनिकल रिसर्च ही ज्यादा होता है क्योंकि हमारे पास एनिमल हाउस या अभी फार्माकोग्नोसी वगैरह ये कुछ भी अभी डेवलप, बॉटनी है हमारे यहाँ प्रोजेक्ट भी चलते हैं। ये कुछ जर्नल्स वगैरह होंगे या फिर कुछ अगर आउट ये रहेगा कोई आर्टिकल तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच मैम, आर्टिकल कांग्रेचुलेशन। मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम जो रिसर्च होते हैं यूजुअली हमारा आयुर्वेद की, तो यहाँ जो पैरामीटर्स यूज करते हैं वो आयुर्वेदिक पैरामीटर्स में भी होता है या कम्प्लीटली मॉडर्न पैरामीटर्स यूज किया जाता है? नहीं, आयुर्वेदिक पैरामीटर तो हर एक में होते ही होते हैं, बट एक्चुअली रिसर्च में आने के बाद हमें पता चलता है कि रिसर्च कम्प्लीटली अलग चीज है, क्योंकि इसमें हमें मॉडर्न के पैरामीटर्स अगर हम यूज नहीं करते हैं तो ये लोग हमारी स्टडीज को कंसीडर ही नहीं करते हैं कि हमारी स्टडीज का कुछ वैल्यू है करके। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर हमें मूत्रवेग धारण से कितने जो डिजीज होते हैं उसमें बस्ती पे क्या क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो वो हमसे मांगते हैं कि मूत्रवेग धारण आप कहोगे किससे। जैसे कोई ऑफिस में जाता है तो ऑफिस का टॉयलेट अच्छा नहीं है तो वो मूत्रवेग धारण कर रहा है, उसको कंसिडर करोगे कि नहीं, कितने टाइम के लिए मूत्रवेग धारण कर रहा है, हफ्ते में कितनी बार कर रहा है और कितने टाइम से कर रहा है। तो हमारे पास जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं या हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं तो हम अपने में समझते हैं कि मूत्रवेग धारण किसको कहेंगे, लेकिन जब उनको समझाना होता है जो मॉडर्न रिसर्च ICMR है या दूसरे भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको, तो हमें हर एक चीज को बिल्कुल प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ता है। दूसरा वो हमसे बोलते हैं कि आप ये स्टडी कर रहे हो कि मूत्रवेग धारण में मतलब क्या इफेक्ट्स हैं या किसी औषधि का क्या इफेक्ट है,
तो आपके पास इंसिडेंस और प्रेवलेंस होना चाहिए। क्या आपको पता है कि कितने लोग हैं वो मूत्रवेग धारण करते हैं, या कोई डिजीज है? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वात रक्त है, तो गाउट का प्रेवलेंस तो हमें इंटरनेट से मिल जाता है कि कितने लोगों में गाउट है या हाइपर यूरिसेमिया है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है जिससे हमें पता चले कि वात रक्त का प्रेवलेंस क्या है या वात रक्त कितने लोगों में है। हमारे रिसर्च में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास डेटा नहीं है। तो जैसे मैं तो सुनती हूँ आयुष दर्पण में कि सब इतना अच्छा काम करते हैं, इतने मतलब एक एक केस भी ऐसा होता है जिसको अगर आप सिंगल केस स्टडी के रूप में भी अगर आप पब्लिश करते हो तो ये आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डेटा की कमी है, बाकी और कुछ हमारे साइंस में कमी नहीं है। पर हम सिंगल केस स्टडी और उसका जो इफेक्ट है वो क्या मतलब पब्लिश हो सकता है या उस पर रिसर्चेस चल सकते हैं? दूसरी चीज कि क्या जैसे हम लोगों के यहाँ प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे आप ड्रग्स की बात कर रहे हो ना, हम लोगों के यहाँ प्रोसेस भी है, आप तो आयुर्वेदा की हो, कि प्रोसेस भी होते हैं, उन प्रोसेस के थ्रू हम लोग ट्रीट करते हैं। तो जैसे कोई पेटेंटिंग कराता है या कुछ कराता है, तो क्या ड्रग्स के साथ प्रोसेस भी पेटेंटिंग होते हैं, और क्या जैसे हम लोगों के यहाँ प्रकृति के अनुसार ट्रीटमेंट होता है, विकृति के अनुसार भी होता है, तो मतलब उसमें वो क्राइटेरिया उन लोगों को देना पड़ता है हमें? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ड्रग एक पेशेंट को नहीं वो हम कर सकते, हमको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं प्रकृति के अनुसार। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसा है आयुर्वेद रिसर्च मेथोडोलॉजी में? हमारे यहाँ कुछ संभाषाएं हुई हैं, तो एक बार आप उस संभाषाओं को जब आप डालेंगी उसमें आयुष दर्पण पे तो आ जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए, और थोड़ा सा उसमें क्या मतलब सही है, कैसा वहाँ चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा गाइडलाइंस आप एक सेशन पूरा कर सकती हैं हम लोगों के लिए डॉक्टर नवीन जोशी सर और अरविंद सर के साथ मिलके। तो जितने भी ये छोटे छोटे केस स्टडीज हो रहे हैं, यह 5 केस हो रहे हैं और एक डिजीज है प्रकृति के अनुसार हो रहा है या विकृति के जैसा भी, तो हम लोगों को एक गाइडलाइन मिल जाएगी। और अभी जैसे ये 6th वर्ल्ड कांग्रेस होने मतलब ये वर्ल्ड कांग्रेस होने वाला है, या कभी कोई प्रेजेंटेशंस हमारे आयुष जर्नल भी करता है, तो उसमें जरा थोड़ा आराम हो जाएगा हम लोगों को ये करने में। मैं अभी थोड़ा सा सुपरफिशियल आपको बताती हूँ पहले कि जैसे मैंने बोला कि सिंगल केस पब्लिश होते हैं, तो सिंगल केस स्टडीज की बहुत डिमांड है आजकल, और स्पेशली उसके अलग जर्नल्स भी होते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का एक स्पेशल पूरा जर्नल निकलता है जो सिर्फ केस स्टडीज को ही, सिंगल केस स्टडीज को ही पब्लिश करता है। उसको आप एक बार रेफर कर सकते हैं आईया की वेबसाइट पे जाके। दूसरा कि प्रकृति वगैरह जो हम कहते हैं, ये मान लीजिए कि आपको किसी भी डिजीज में प्रकृति को इन्वॉल्व करना है, तो CCRS ने एक प्रकृति का पोर्टल डेवलप किया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रकृति एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में प्रकृति को लेना है, मान लीजिए कि हमें सिर्फ ये देखना है कि डायबिटीज के पेशेंट्स का हमें प्रकृति एनालिसिस करना है कि नहीं, मैं प्रकृति एनालिसिस तो यहाँ पर हमारी क्लासेस वगैरह सब चलती है, प्रकृति अनुसार ट्रीटमेंट डिफर करता है। तो जैसे हम लोग क्या क्राइटेरिया लेंगे कि सपोज हमने कोई एक डिजीज लिया, तो उसमें हमने उसको हमको क्या जो हमारी प्रकृति है उनके अनुसार ही पूरा, तो इतना ये वास्ट हो जाता है कि हमारा तो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है, हमारा कोई एक जनरलाइज तो है नहीं कि एक ही हमने ड्रग लिया और हमने 100 स्टडी कर डाली, हमारे 100 लोगों की भी अलग अलग प्रकृति होंगी, तो हम कैसे उसको मतलब कैटेगराइज करके उसको। जनरल आयुर्वेद रिसर्च में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे जो आप कह रहे हैं कि प्रकृति अलग होगा, अग्नि अलग होगा, अवस्था अलग होगी, तो ये सारी चीजें जो हैं ये वेरिएबल्स के अंडर आती हैं। तो जो मॉडर्न स्टडीज होती हैं उसमें तो ऐसा होता है कि मिनिमम वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, और हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं और हम उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम उसके अकॉर्डिंग अगर रिसर्च करने जाते हैं तो हमारा पूरा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रगल में है अभी ये बात कि इस चीज को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे,
लेकिन एक चीज है कि अगर आपको चीजें देखनी है कि मान लीजिए कि आपको प्रकृति के अनुसार वात रक्त की चिकित्सा देखनी है, तो फिर उसमें ऐसा हो जाता है कि प्रकृति तो 7 टाइप की आप दोषिक प्रकृति बताओगे, तो 7 टाइप की प्रकृति बताने के लिए आपको सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ा लेना पड़ेगा। ऐसे मिनिमम एक प्रकृति के आपको अगर 100-150 लोग लेने पड़ेंगे तो फिर आपका सैंपल साइज जो है वो 1000 के करीब पहुंच जाता है। अगर आपका सैंपल्स, आप ये कहो कि मैं 30 लोगों में देखूंगी कि प्रकृति के अनुसार चिकित्सा क्या है, तो वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा। उसमें आपका सैंपल साइज आपको अरे बहुत ज्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। बाकी लोग म्यूट रखिए, मैम कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रही है। हाँ तो जो सैंपल साइज कैलकुलेशन है वो भी कुछ फॉर्मूलास के थ्रू होता है या कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो मेन इसमें यही होता है कि अगर वेरिएबल्स हैं तो उनको हमें मिनिमाइज करना पड़ता है। जैसे आप बोल रहे हो कि प्रकृति अनुसार चिकित्सा, तो ये कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। आपको पहले करना पड़ेगा कि जैसे वात प्रकृति में अगर वात रक्त है तो उसमें ये ड्रग जो है उसका कितना रोल है, ये आपका एक सिंगल स्टडी होगा। फिर वात पित्त में इसका क्या रोल है, इस तरीके से आपके प्रकृति के अनुसार अगर आप करना चाहते हो तो अलग अलग स्टडीज होंगे। और दूसरी बात ये है कि आजकल जैसे हम सिंगल आर्म स्टडी जो करते हैं, मान लीजिए कि वात रक्त में हम देखते हैं कि अमृता रिस्ट का क्या रोल है, तो वो सिंगल आर्म स्टडी हो गया जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब पब्लिकेशन के दृष्टिकोण से उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, कोई जर्नल उसे पब्लिश नहीं करता है। तो जनरली या तो आपको साथ में दूसरा ग्रुप रखना पड़ेगा जिसमें कंट्रोल आर्म है, या जिसमें दूसरा कोई स्टैंडर्ड मेडिसिन है, या फिर आयुर्वेद का ही दूसरा मेडिसिन है, इस टाइप का कुछ करके आपको उसको 2-3 ग्रुप्स बना के फिर उसको स्टडी करना पड़ेगा। तो मैम, अगर आप मतलब जैसे आप जैसे लोग कुछ हैं आयुर्वेदा के जो पैनल में और भी होंगे, तो क्या इसके ऊपर आप लोग ये वो नहीं कर सकते कि हमारा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इट इज हाँ जी एंटायरली डिफरेंट एंड कैन नॉट बी मतलब मॉडर्न की तरह हम नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर भी कुछ क्या काम हो रहा है? नहीं, एक्चुअली अब देखिए, अगर हम मॉडर्न की तरह, ये बात सही है, मतलब हमें भी कई बार होता है कि हम अपनी पैथी को क्यों प्रूव करने में लगे हैं कि हमें मॉडर्न के अनुसार प्रूव करने की जरूरत ही क्या है। बट एक्चुअली ये है कि कुछ जगहों पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ICD-10 है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, तो उसमें अभी तक सिर्फ एलोपैथी के जो डिजीजेस थे उसी को जगह मिलती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि आयुर्वेद का उसमें एक सेक्शन ऐड होने जा रहा है। तो उसके लिए जैसे हर एक डिजीज का या हर एक सिम्टम का मॉडर्न में एक टर्म दिया हुआ, सॉरी कोड दिया हुआ होता है, तो वैसे पहले तो हमें सारे ही जितने डिजीज हैं, जैसे वात रक्त है तो वात रक्त का कोड अलग होगा, वात रक्त में फिर उत्तान का कोड अलग होगा, गंभीर का कोड अलग होगा। तो इस तरीके से हम एक AHMIS नाम का प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसमें सभी सेंटर्स में जितने भी OPD के पेशेंट्स होते हैं उनकी हम एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक डेटा जनरेट होगा जिससे हमें पता चलेगा, जो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास प्रेवलेंस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उत्तान वात रक्त का प्रेवलेंस क्या है। तो हम उसके, अगर प्रेवलेंस नहीं पता तो हम उसकी किसी भी स्टडी के लिए सैंपल साइज भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें ICD-10 में आयुर्वेद को जगह देनी है, तो हमने इस तरीके से कोडिंग करके और मॉडर्न के अकॉर्डिंग उन पे रिसर्च करके उसका बहुत ह्यूज डेटा इकट्ठा करना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा कि हमारा आयुर्वेद जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट हम कर पाए। थैंक यू मैम। ओके देखते हैं, भगवान साथ दे रहे हैं और देंगे। केवल ये रेयर डिजीजेस पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रेयर डिजीजेस हैं उसके पेशेंट्स इतने नहीं होते कि हम बहुत सारे वो कर पाए। तो आप जैसे लोग जो आयुर्वेदा को जानते हो समझते हो, इनके मतलब जाने से वहां पर अच्छा है, और होंगे भी, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रेयर डिजीज के लिए मैम वैल्यूएबल स्टडी इंफॉर्मेशन। है, वो स्पेशली रेयर डिजीज के ऊपर ही होते हैं। अगर आप किसी
कॉमन डिजीज के ऊपर केस स्टडी पब्लिश करना चाहो तो वो नहीं हो पाएगा, ज्वर के ऊपर नहीं हो पाएगा। किसी आप रेयर डिजीज के ऊपर करोगे तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। मैम आप अपना नंबर इसमें ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ग्रुप में हो ना हमारे, उसमें तो उसमें शेयर जी, आपका नंबर किसी के पास मतलब नाम सेव्ड है किसी के पास नहीं, तो आप अपना एक नंबर डाल दीजिए इसमें। मैं ग्रुप में डाल दूंगी नंबर अपना। श्वेता मैम प्लीज एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस पे पिछले 10 साल से हर किसी से गाइडलाइन लेके ये मुझे पता चल गया कि हम हमारे पैरामीटर्स या वेरिएबल्स को लेके मॉडल की तरह नहीं कर सकते, लेकिन मैंने पर्सनल लेवल पे जो भी है मेरा 25 इयर्स का जो भी है उसको ऑर्गेनाइज करके डाटा ये करके, बिकॉज मोर देन 10 to 15,000 पेशेंट्स मेरे क्रिटिकल के, लेकिन जो आप सिंगल केस स्टडी का बोल रहे ना उस पर जरूर गाइडलाइन लीजिएगा सर, बिकॉज मे बी कि इट मे बी हेल्पफुल फॉर द फर्दर जनरेशन, बिकॉज हम जो सिंगल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स उनके पास में ऑर्गेनाइज कुछ नहीं रहता है। अभी लास्ट 25 इयर्स के बाद में मैंने मेरे जो भी फॉर्मुलेशन है उसको घन सत्वा में कन्वर्ट कर दिया है, और प्लस उसका एफडी अप्रूवल मुझे ये साल में मिल जाएगा। आई विल बी रिक्वायरिंग योर हेल्प। लेकिन मैम कैसे होता है कि इसके बारे में गाइडलाइन नहीं हुआ ना तो बस काम, अभी जैसे अरविंद सर के लेंगे तो मुझे लगता है 20-30,000 उन्हीं के पेशेंट होंगे, यानी इज वेरी गुड प्रैक्टिशनर। तो मुझे जिन्होंने भी अब तक गाइडलाइन किया है ना, मतलब नानल सर से लेके मेरे 2-3 गुरु है, उनका ये कहना है कि आप इस तरीके से आपका कोई जर्नल में नहीं होगा, कोई लेंगे नहीं, आपके रिजल्ट्स है, आपके सी मार्कर्स कम होते हैं, आपका क्रिएटिनुरिया कम होता है, जीएफआर बढ़ता है, लेकिन उसके लिए जो आप बता रहे हैं वो वेरिएबल्स हमारे इतनी मतलब आहार हेतु रहता है, विहार रहता है, प्रकृति रहती है, प्रकृति के साथ में और साथ में कुछ ये रहते हैं, तो ये सारी चीजों में ना मतलब हम खो जाते हैं एंड देन वी लीव इट। मैंने ऐसे गिव अप कर दिया। डॉक्टर गिरीश टिल्लू करके मेरे रिसर्चर थे, उन्होंने मुझे इस वजह से एमडी करने के लिए बोला था, एंड आई डिड माय एमडी आफ्टर 10 इयर्स ऑफ गैप ऑफ माय प्रैक्टिस मतलब यूजी के बाद में, लेकिन मैम जो हेतु था वो तो साध्य नहीं हुआ, इस वजह से भी लास्ट पीएचडी रखी है, लेकिन अगर कहीं पर रिसर्च के लिए मुझे चांस मिलता है तभी मैं पीएचडी करूंगी, मैंने ये करके रखा है। अदरवाइज आप जो सिंगल स्टडी बता रहे हैं मैम, तो प्लीज गाइडलाइन के लिए आप भले ही लेक्चर लीजिए, हम नवीन सर को रिक्वेस्ट करेंगे, बट वी डू रिक्वायर दैट गाइडेंस प्लीज। थैंक यू मैम। पूछना चाहती हूं आरती मैम, बोलिए प्लीज। जी मैम वेरी गुड मॉर्निंग, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं अपना एक्चुअली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो मेरे को भी पता नहीं था, मैंने एक लिवर कैंसर का केस लिया था, तो वो लिवर कैंसर 4 मंथ्स में कम्प्लीटली क्योर हो गया। उसका जो AFP था 6,000 समथिंग था, और जस्ट 4 मंथ्स में वो शायद जो नॉर्मल वैल्यू उसकी 6 अराउंड कुछ रहती, तो 4 आ गया था, वो 6,000 से 4 आ गया था। तो मेरे लिए भी एक मिरेकल था, क्योंकि तब मैं खुद स्टूडेंट थी और मैं खुद अपनी पढ़ाई साथ में कंटिन्यू कर रही थी, और साथ में मैं ये मतलब प्रैक्टिस भी करती थी, दोनों काम साथ ही करती थी, तो अच्छा। मतलब मेरे लिए खुद भी बहुत मिरेकल था। और यहाँ पर DMC हॉस्पिटल है लुधियाना में, जो पंजाब से है वो जानते होंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो उन्होंने मतलब पूरा एक डॉक्टर्स का पैनल बिठाया कि लिवर कैंसर कैसे ठीक हुआ, मतलब 5-6 उन्होंने उनके जितने भी थे मतलब MD स्कॉलर सबको बुलाया उन्होंने कि इस पेशेंट की, क्योंकि उन्होंने उसको ऑपरेशन के लिए लेके जाना था, और उसको पेशेंट को खांसी थी, और बाय चांस मेरा एग्जाम था और मैं नहीं मतलब उसका खांसी का ट्रीटमेंट मैं नहीं कर पाई, तो मैंने उन्हें बोला मेरा एग्जाम है आप शाम को आना, बट वो हॉस्पिटल चले गए, तो वहां पर उन्होंने तो बोला कि आपको कीमो और रेडियो का सर्जरी देख रहे हैं तो आप टेस्ट कराए। जब टेस्ट कराया तो उसमें लिवर कैंसर निकला ही नहीं रहा, इधर उन्होंने उसी हॉस्पिटल से 3-4 मंथ्स बैक उन्होंने टेस्ट कराया था, तो लिवर कैंसर था और लास्ट स्टेज पे था, तो वो बहुत हैरान हो गए, और उन्होंने 6-7 डेज उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, और खुद अपने खर्चे पर MRI CT सब कुछ करा के देखा, कहीं से भी लिवर कैंसर निकला नहीं। तो फिर यही केस मैंने एक कोई इंटरनेशनल कोई प्रेजेंटेशन थी, तो वहां मैंने ऐसे अपना एक PPT भेजा कि ये केस मेरे को प्रेजेंट करना है, तो मेरी सिलेक्शन भी वहां हो गई दुबई में, तो मैंने वो उसको प्रेजेंट भी किया वहां पर। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, वहां पर जितने डॉक्टर्स थे सभी MD थे, मैंने MD नहीं किया हुआ, तो उन्होंने मेरे को इतना क्रिटिसाइज किया इस बात के लिए रेदर देन अप्रिशिएट, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल एक तरह बोल लो कि इस चीज में नहीं थी, और ये मेरा खुद का वो था, मैंने किसी से पूछा नहीं था कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैंने खुद का अपने आप से ही किया उसको, जैसे भी करके जो समझ कर किया उस समय मेरी जितनी समझ थी। उन्होंने इतना इस बात को लेकर मेरे को क्रिटिसाइज किया कि आपने ये ऐसे दिया ही क्या, ये तो शास्त्रोक्ति नहीं है, तो मैंने उनको यही उस समय मेरा उनका यही आर्ग्यूमेंट था, मैंने कहा सर ये नहीं है कि महर्षि चरक ने सभी को इंडिपेंडेंस दिया, उन्होंने तो ये भी बोला कि अगर डिजीज का नाम नहीं भी है तो भी आप उसको क्योर करो, और हमको ये नहीं है कि
मॉडर्न से कंपेयर करें, तो मैम से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर हमें उसको इतना अच्छे वे में, शायद उसको मैंने शास्त्रीय वे में इतना अच्छा नहीं प्रेजेंट किया, पर मेरे को ये सब कुछ समझ आ रहा था कि वो केस ठीक हुआ है और मेरे पास वो पेशेंट की रिपोर्ट्स भी थी, और पेशेंट ने ही मेरे को बोला कि आप मेरा सभी जगह आप बताओ कि ये ठीक होता है, बिकॉज यहाँ पर लिवर के बहुत ज्यादा पेशेंट रहते हैं, यहाँ पर अल्कोहलिक और तो बहुत ही ज्यादा लिवर का रहता है। तो हम ऐसे केस में क्या करें जहाँ पर अपने ही लोग हमें क्रिटिसाइज करें, और उन्होंने मेरे को स्टेज से उतार दिया ये कह के कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप देखो रिपोर्ट्स, मेरे पास रिपोर्ट्स भी हैं, मेरे पास बिफोर आफ्टर की सारी रिपोर्ट्स और पेशेंट की ही खुद की सारी चीजें हैं, मैंने कोई फेक रिपोर्ट्स भी नहीं है। तो उन्होंने बस यही, बस वो कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज ही करते रहे इस चीज को, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपने कर कैसे दिया। तो यही मेरे को पूछना था, क्योंकि उसके बाद से फिर मैंने कोई भी प्रेजेंट नहीं किया ऐसे। नहीं मैम, वो तो चलो उनकी गलती है कि उन्होंने इतने अच्छे वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया है, लेकिन ये बात है कि आप ये एक हमें भी फेस करना पड़ता है कि जैसे हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं और जो रिसर्च है उसका कहीं पे भी आपस में कोई मेल नहीं है। मतलब क्लिनिकल रिसर्च को अगर, क्लिनिकल प्रैक्टिस को अगर आपको रिसर्च में डालना है तो आपको पहले से ही रिसर्च के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स लेके सैंपल साइज किस सैंपल साइज किससे कैलकुलेट करेंगे, कौन से सैंपल की मेथड होगी आपकी। पर उसमें वो पेशेंट इंडिविजुअल था और वो मेरा फर्स्ट लिवर कैंसर का पेशेंट था जो ठीक हुआ था। हाँ, मतलब वो पूरी तरह ठीक हुआ था और उसकी 50 इयर्स की अल्कोहल की हिस्ट्री भी थी। वो ऐसे था कि उसको उठाकर लाए थे और जब वो 3-4 मंथ्स के बाद वो बिना चढ़ी के खुद चलता था। अभी कितने साल हुए हैं आपके इस वर्क को? मैम अभी तो हो गया होगा, ज्यादा टाइम ही होगा, तो 8-9 इयर्स हो गए होंगे इस चीज को। 8-9 इयर्स। मैं पता करती हूँ अगर इसको हम इम्प्रोवाइज करके अकॉर्डिंग टू जो नहीं, उसके बाद तो और भी बहुत कुछ किया, बट वही मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी चीजें गिना दी, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहा सर आप ये तो देखिए, मेरा एफर्ट तो देखिए, मैंने एक छोटे से लेवल पर, मेरा एक छोटा सा रूम है, मैंने उस रूम में ही सारा कुछ किया और मेरे पास किसी का गाइडेंस नहीं, मैंने जो बुक्स में पढ़ा जो समझा उसमें किया और इतनी छोटी एज में ही किया। बट आप एटलीस्ट आप उसको बिल्कुल ऐसे कर रहे हो कि जैसे ये कोई चीज ही नहीं है। मतलब आयुर्वेद वाले लोगों को मेरे हिसाब से आयुर्वेद को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई केस अभी जैसे अरविंद सर इतनी अच्छी चीजें बताते हैं, मेरे को कोलन कैंसर का उन्होंने गाइड किया, तो आयुर्वेद के लोग अगर आयुर्वेद को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर ये एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब ये डिमिनिश होता जाएगा अगर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे केसों को उभरना चाहिए। हाँ ये ठीक होता है, हमको लोगों को विश्वास से लाना है, लोग हम पर ऐसे नहीं विश्वास करेंगे। वी हैव टू प्रूव बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ये विडंबना है आयुर्वेद की कि हमें प्रूफ करना पड़ता है। बट क्या करें, अगर सभी लोग मिलकर प्रूफ करें तो क्यों नहीं हम कर सकते कि हाँ ये ऐसा होता है। लोग पहले ही हमारे पास आए, लास्ट में क्यों आए। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन प्रूव करने का भी, क्योंकि अभी माइंडसेट ही लोगों का ऐसा है ना कि अगर आप उनको मॉडर्न टर्म में, ठीक है जो जिनके साथ मिरेकल हुआ है या जिनको आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है वो आपकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको इसको वाइड लेवल पे, अगर आपको इसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे एस्टैब्लिश करना है, तो उसका तरीका हमारे पास फिलहाल तो यही है कि हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पैरामीटर उसको हम प्रूव करें। और आपका उस टाइम पे चलो जो भी हुआ वो बहुत, मतलब मैं भी क्रिटिसाइज करती हूँ इस तरीके की कंडीशन को, लेकिन आयुर्वेद में हर जगह पे ये चलता है, जैसे क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल वाले आपस में झगड़ते रहते हैं, अगर संहिता वाले पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म वाले नाराज हो जाते हैं कि तो हम MD क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे इश्यूज तो हमारे साथ भी हो चुके हैं। तो उन चीजों को, किसी की क्रिटिसिज्म को ध्यान में लेके आप अपना इतना अच्छा जो वर्क है उसको आप मत हो, उसको हम ट्राई करेंगे कि अगर वो अभी भी पब्लिश हो सकता है या उसका कुछ हम उस तरीके से कन्वर्ट करके कुछ कर सकते हैं अगर। और मैंने कोविड के टाइम पे भी देखा कि बहुत अच्छा महाराष्ट्र और गुजरात में तो बहुत अच्छा वैद्यों ने काम किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्रैक्टिस करते हैं वो पब्लिश नहीं करते हैं, तो उनका जो हमें एविडेंस मिलना चाहिए जो लोगों में श्रद्धा डालने के लिए कि हाँ मतलब हमारा आयुर्वेद सही में काम करता है, तो वो हमें मिल नहीं पाता। तो या तो हम एक चीज कर सकते हैं कि जैसे CCRS और आयुष दर्पण का हम कोलैबोरेशन करके उसमें अलग अलग हम प्रोजेक्ट्स लें जिसके अकॉर्डिंग हम
ये मतलब जो भी हमारी ट्रीटमेंट है वो कर सकें। इसमें हमें जो सबसे बड़ा हर्डल आ सकता है वो ये है कि अभी सीसीआरएस में उन्हीं ड्रग्स पे केवल काम किया जाता है जो एपीआई या एएफआई में जिसका रेफरेंस है। अगर एपीआई और एएफआई में जैसे आप दशमूल क्वाथ लोगे तो दशमूल क्वाथ के स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश नहीं है। वो बोलते हैं कि आप दशमूल ऑथेंटिक मिलता भी नहीं है, आपने कहाँ से लाया, उसके क्वाथ के स्टैंडर्ड्स आपके बनाए हुए नहीं है, तो आपने स्टडी कैसे कर लिया। जबकि वही दशमूल है उसका दशमूल अरिस्ट के स्टैंडर्ड्स रिसर्च के थ्रू बन गए हैं, तो दशमूल अरिस्ट का प्रयोग आप कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसमें कि ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन और किन किन के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बने हुए हैं एपीआई या एएफआई में हैं तो ही केवल हम उनको ले सकते हैं। सिंगल आर्म स्टडी नहीं, मतलब करने को तो कर लें पर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी कुछ भी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, पर मेरे हिसाब से अगर जैसे आयुष दर्पण और सीसीआरएस कोलैबोरेशन में कुछ करता है तो वो बहुत बेटर रहेगा, मतलब सोसाइटी के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम ये बहुत अच्छा एक आइडिया, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रहेगा मैडम। अकेडमी के लिए आप और नवीन जोशी सर और जो वहाँ के एक हमारे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं जिन्होंने मर्म चिकित्सा नवीन जोशी सर को सिखाई है, अच्छी सर है वो देहरादून के आयुर्वेदिक उसके, तो आप लोग सब मिलके एक मीटिंग करके वैद्य जी को साथ लेके अगर ये बना लेते हैं तो हमारे बहुत सारे जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं या हो चुके हैं बहुत पहले, जैसे मुझे भी मैंने कुछ काम किया हुआ है पर मैं मुझे पता ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन करा कैसे जाता है क्या है या किसी और को नहीं पता, तो थोड़े गाइडलाइंस मिल जाने से काफी चीजें बाहर आ जाएंगी। और ठीक है नाम नहीं होगा, पेटेंटिंग नहीं होंगे, बट मतलब काफी चीजों का सोशली बहुत सोशल बेनिफिट बहुत हो जाएगा। हाँ जी, और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जैसे आपका जो भी यूनिक वर्क है आप उसको डायरेक्ट कहीं पे प्रेजेंट मत करिए, उसको पहले पब्लिश करिए आप, क्योंकि एक बार आपने प्रेजेंट कर दिया वो कहीं पे सिंपोजियम में छप गया, एब्स्ट्रैक्ट छप गया उसका, तो फिर आपका पब्लिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो अगर यूनिक वर्क है तो चाहे आपको वेट करना पड़े उसको पेपर बनाने के लिए और उसको एक सांचे में डालने के लिए, बट उसको डायरेक्टली प्रेजेंट करने के बदले बेटर है कि आप उसको पब्लिश करो पहले। जी थैंक यू मैम। मैडम हम जो केसेस हम करते हैं और जहां रिजल्ट भी मिलते हैं उसको कैसे डाटा मतलब डॉक्यूमेंट कैसे करें, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए आइडियल? इसके लिए जो मैं कह रही हूँ कि अभी हमारा AHMIS का जो एक इन्होंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, जैसे पेशेंट के रजिस्ट्रेशन से लेके उसके हर एक फॉलो अप की एंट्री सेम उसी में सॉफ्टवेयर में होती है, तो अगर फिर हमें पेशेंट का रिसर्च करना है तो हम उसी से डायरेक्ट सब कुछ निकाल के वो एंट्री कर सकते हैं उसमें। तो या तो हम अपना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिसमें हम शुरुआत से लेके पेशेंट की पूरी रिकॉर्डिंग रखते हैं, या तो फिर AHMIS है जो उनके बारे में मैं थोड़ा पता करके बता सकती हूँ कि वो अभी पब्लिकली यूज के लिए अलाउड है कि नहीं है जी। तो इस तरीके का हमें एक रखना तो पड़ेगा ही, चाहे AHMIS है या हमारा खुद का है, पर शुरुआत से पेशेंट की एंट्री से लेके उसकी हर एक फॉलो अप पे हर एक मेडिसिन और सब कुछ ही हमें कौन कौन से टेस्ट हुए हैं सब कुछ डिटेल्स ये डेटा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन है मैम कि हम जो मतलब जर्नल्स हैं को रिलायबल जर्नल्स क्या पढ़ना चाहिए हमको जहाँ प्रैक्टिकली काम हो रहा है रिसर्च वर्क? रिलायबल जर्नल्स में इसमें एक UGC केयर जर्नल लिस्ट आता है, अगर आप नेट पे जाओगे तो UGC अप्रूव्ड जो जर्नल्स होती हैं उनको ही हमें स्टैंडर्ड मानना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक जर्नल्स हैं, उनमें अगर आपका आर्टिकल पब्लिश भी हो गया तो भी आपके वर्क की इतनी वैल्यू नहीं रहती है। तो कोशिश यही करनी है कि UGC केयर अप्रूव्ड जर्नल की लिस्ट डाउनलोड करके उसमें जो रिलेवेंट हैं, जैसे उसमें तो कम्युनिटी हेल्थ के भी रहेंगे दूसरे भी रहेंगे, लेकिन जो आयुर्वेद से रिलेटेड है उनको अगर हम अलग करके फिर उनको पढ़ते हैं। और इसमें स्पेशली जैसे आयुर्वेद की अगर मैं कुछ कहूँ तो एक
आयु जर्नल आती है जो जामनगर से पब्लिश होती है जी, एक जे ए आई एम है, एनाल्स ऑफ आयुर्वेद है, और सीसीआरएस के भी जे आर एस करके जर्नल आती है, एन आई ए की जर्नल ऑफ आयुर्वेद है, ये सारी कॉमन जर्नल्स हैं, इनको आप अय्या का भी जो मैंने आपसे कहा उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर अय्या का भी जो सिंगल केस का जर्नल है वो भी स्टैंडर्ड है। आपको प्रेजेंट करने के लिए या केस देने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है आपको पब्लिश कराना है अगर, तो इनको कैसे अप्रोच किया जाता है? इनकी कोई भी जर्नल है अगर, तो इसमें अगर आपको पेपर पब्लिश करना है पहले जर्नल की वेबसाइट पे जाके वहां पे ऑथर के रूल्स लिखे होते हैं, उसमें हर एक चीज मेंशनड होती है कि जैसे आपने फॉन्ट किस साइज के रखने हैं, आपने टेबल या ग्राफिक किस तरीके से प्रेजेंट करके देने हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया उसमें होता है। जैसे साइटेशन उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं, तो साइटेशन कौन से स्टाइल में करना है, रेफरेंसिंग कौन से स्टाइल में करना है, वैनकूवर है या दूसरी जो भी स्टाइल होती है, तो ये सारे गाइडलाइंस उसमें होते हैं। बट बेसिकली वो आपको एक रिसर्च आर्टिकल बनने के बाद उसको एडजस्ट करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। रिसर्च आर्टिकल बनाना कैसे है ये तो जब हम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे या उसका कुछ हमें ट्रेनिंग मिलेगा तो हमें वो समझ में आता है। वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, वो तो दो तीन हम पढ़ लेंगे तो पढ़ के और उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने में इतना मुश्किल नहीं है, उसको प्रेजेंट करते हुए आना चाहिए सर। वो अच्छा मैम, हमारे रवि सर कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ रवि सर, आपको जानते भी है? अच्छा। जी सर प्रणाम। मैडम प्रणाम, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं डॉक्टर आर के सिंह, मैंने सल से पीएचडी किया जामनगर से। मैडम जी जी, तो मैं आपको पहचान रहा था। हाँ जी, मेरा पीजी 11 में ही कंप्लीट हुआ है। जी जी, तो मैं उस समय वहाँ था मैडम, तो आपके डिपार्टमेंट में मैं अक्सर जाया करता था क्योंकि महेश व्यास सर मेरे को गाइड थे। Okay, मेरा संगीता का ही टॉपिक था तो अक्सर मेरा जाना होता था, तो मैं आपको समझ गया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। और अभी रिसेंटली हम यूपी गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है डाटा फीडिंग का काम, सारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं जो भी आप वर्क करें उसको डाटा फीडिंग करें, तो प्रोग्राम आ रहा है, शुरू होने वाला है। जी सर, हाँ जी, ये बड़ा अच्छा लगा मैडम, थैंक यू। जी, और किसी को बात करना है मैम से? कविता मैम ने पूरा आंखें खोल दिया सबका। कविता मैम, आपके जर्नल्स के नाम जरूर ये करिएगा ग्रुप में, एंड आपका नंबर भी शेयर करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्हिच यू शेयर, थैंक्स अ लॉट। सबसे मेन की मैम सुबह पढ़ने भी आई है, इतना नॉलेज होने के बाद भी। ग्रेटनेस है मैम का, ये ग्रेटनेस, बट मैम ये बहुत बैडली नीडेड है क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, और अगर हमको इतना भी आ जाए कि हमारा, क्योंकि मैं जैसे मेरा हार्डकोर डाटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैंने मेंटेन किया है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डाटा है आई एम नॉट सॉफ्टवेयर फ्रेंडली, तो वो सारी चीजें अगर आप एक बार लेक्चर भी ले लेते तो बहुत फायदा रहेगा मैम। एंड मतलब काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन वही कि आयुर्वेद का स्टैंडर्डाइजेशन है बाकी का, और अभी आरती मैम ने जैसे बताया मैम, आई हैव फेस्ड अ लॉट कि मॉडर्न लोग बेइज्जती कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्रूफ मांगते हैं, लेकिन अभी मैंने प्रूफ देना छोड़ दिया है मैम, मैं सीधा बोलती हूँ ये बिफोर एंड आफ्टर है, आप स्टडी कर लीजिए, ये हमारा मेडिसिन है, लेकिन मुझे मालूम है कि साइंटिफिक जर्नल में नहीं हो सकता है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिएगा। मेरे को एलोपैथी वालों से कोई इशू नहीं है, उन्होंने तो 5 डेज का पैनल बिठाया और पूरा उसको स्टडी किया मैम। मुझे आयुर्वेद वालों ने भी बहुत, आयुर्वेद वाले तो सीधा बोलते हैं कि कैंसर पे और किडनी फेलर पे और हार्ट डिसीज की ब्लॉकेज डिसॉल्व में तो कोई आयुर्वेद काम ही नहीं करता, पुल्लू बनाने का काम कर रहे हो। मैं उनको मेरे 10 पैनल से मैडम, अभी फिलहाल 6 पैनल से मैं 10 पैनल की मॉडर्न के साथ में काम करती हूँ, लेकिन मॉडर्न लोग मानते नहीं मैडम, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मुझे बस वहाँ पे आयुर्वेद ये तक बोला कि आपने जो किया है ना काम, ये आपने शास्त्रोक्त, आपने तो शास्त्रों के अगेंस्ट जाके कहा। मैंने कहा शास्त्रों के अगेंस्ट कैसे हो गया, क्या गुरुचि शास्त्रों में नहीं लिखा, काल में एक शास्त्र में नहीं लिखा,
क्या भृंगराज शास्त्र में नहीं लिखा, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं? तो हमारे पूना में तो अरविंद सर भी अशास्त्रीय काम कर रहे हैं ऐसे बोला जाता है, क्योंकि वो पढ़ा रहे, वो आयुर्वेद को ओपन कर रहे, ओपन करके सिखा रहे। तो यहाँ पे मैंने मतलब इन 26 सालों में इतना कुछ सहन किया और इतना कुछ डिग्रीज लेने के बाद में भी अभी मैडम मैं किसी को प्रूफ नहीं देती हूँ। और कविता मैम ने जो बताया, अगर हम वो फॉलो करते ना मैम, हमें किसी को कोई प्रूफ देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आयुष दर्पण जैसे मैम बता रही वैसे कुछ अगर काम होता है तभी मैम, हर एक का ट्रीटमेंट ऑफ लाइन बहुत अलग होता है। कोई शोधन पे फोकस करता है, कोई शमन पे फोकस करता है, कोई मर्म पे फोकस करता है। तो ये सब चीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और इनके वेरिएबल्स में, क्योंकि मैडम मैं 5 साल दिल्ली चक्कर लगा चुकी हूँ कि मुझे आपकी आवाज फ्रॉम तेलंगाना यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे गाइडलाइन नहीं मिला। और अगर मैं जर्नल में मेरा कुछ लेके जाती हूँ तो भी मुझे काफी जन बोलते कि आप दीजिए, लेकिन जैसे मैम ने बताया अगर वो गलत जगह पे पब्लिश हो गया तो फिर उसका ऑथेंटिकेशन नहीं रहता है बाद में। इस वजह से जो मैडम ने बताया ना, इट शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम वो सारा गाइडलाइन। कविता मैम का आज लेक्चर ही करा दे क्या रात को? आज नहीं सर, उनका टाइम लेके ताकि वो अपने को रेफरेंस दे। देखिए सारा गाइडलाइन आप कब आएंगी, आप खुद ही डिसाइड करिए। मैं आपको बता दूंगी सर। संडे छोड़ के करना मैडम प्लीज, ये संडे मेरा इन्वॉल्व है प्लीज। कभी भी कविता मैम का एक करा देते हैं पूरा अच्छे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत तरनी रहूंगी आपकी गाइडलाइन के लिए। थैंक यू सर। पाठक सर। हाँ सर। सर चर्चा हो रही थी, एक केस मैं शेयर करना चाहता हूँ सर। हाँ। मुझे भी आश्चर्य हुआ, केस ठीक हुआ। हाँ। एक पेशेंट सर मैं 2-3 दिन पहले मेरे पास आया, तो उसने मेरा पैर छुआ, पर्चा बनवा के, तो सर कह रहा मुझे पहचान रहे हैं। तो मैंने कहा भाई पहचान तो नहीं, हम रुके मरीज देखते हैं। तो कह मैं आपके पास जो है 3-4 महीने पहले आया था और आपने दवा लिखी थी, उस समय मैं रिपोर्ट लेके नहीं आया था, तो आज मैं रिपोर्ट लेके आया हूँ सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उसने रिपोर्ट जब खोली सर जो है, तो उसने जो है कोरोनो एंजियोग्राफी करा रखी थी। तो मैंने देखा सर उसकी जो है एक 99% ब्लॉक थी, एक सर 85% और एक जो है 90% ब्लॉक थी। तो कह रहा सर आपकी दवा से और योगा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं फावड़ा वगैरह सब चला लेता हूँ, और पहले मैं 2 कदम चलने में भी थक जाता था। तो मुझे भी सर आश्चर्य हुआ कैसे ठीक हो गया पेशेंट। तो आपने दिया क्या दवाई, तो बताइए क्या दिया? अब सर मुझे भी याद नहीं था, पर्चा लेके नहीं आया था संजोग से, लेकिन जनरली जो मैं सर लिखता हूँ तो मैंने अर्जुन पाठ लिखा होगा सर जो है, और मेरे यहाँ प्रभाकर भट्टी सर मिलती वो मैं देता हूँ, और ऐसे केसेज में जरूर जो है जिक्र करता हूँ। क्या कहते सर, सॉरी असल में हम लोग यही तो गलती कर रहे हैं कि हम दे तो देते जी 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 उसका डेटा। हाँ, लेकिन पर्चा सर लेके, पर्चा लेके सर नहीं आया था वो जी। रवि सर इट्स वेरी वेरी जी, आप इन्हें कांग्रेचुलेशन पहले तो आपके अचीवमेंट के लिए, लेकिन वो पर्चा जरूर लीजिएगा। दूसरा चीज, हाँ, उसका पहले एंजियोग्राफी मत कराइए, 2D एको करा लीजिए, और कार्टोग्राफी कराने को मिल रहा है, कार्टोग्राफी या फिर कार्डियो का स्कैन भी होता है जहाँ पे नॉन इन्वेसिव रहता है ये। उससे क्या पता चलेगा ना कि जो पहले वाला ट्रिपल वेसल डिसीज बोलते हैं इसे, और ट्रिपल वेसल्स में 90-80% के अबव विदाउट बाईपास या विदाउट एंजियोप्लास्टी तो मॉडर्न में वो ट्रीटमेंट भी नहीं कहलाती हूँ मैं, क्योंकि दैट इज अ टेम्पररी ट्रीटमेंट, अगेन वहाँ पे रीस्टेंटिंग रीस्टेनोसिस होता है। तो आपने जो किया वो बहुत इनक्रेडिबल काम है, लेकिन ये सारी चीजें करके उससे रिपोर्ट करवाइएगा, वो रिपोर्ट आपके पास में होना बहुत जरूरी है। जी, तो actually, पहले जी, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन बट जी एक्चुअली मुझे भी विश्वास नहीं, जैसे अभी मैडम कह रही थी ना इस सीए जो है लीवर कैंसर का केस जो है कैसे ठीक हो गया, तो ऐसे मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मेरा दूसरा केस है, एक पेशेंट और भी ऐसे मेरे पास आया था तो वो भी ठीक हो गया, ये दूसरा केस है ये भी जो है बिल्कुल ठीक हो गया, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कैसे ठीक हो गया। नहीं कैसे नहीं हुआ सर, सर आपकी जो दवाई है वो कल्प वृक्ष आयुर्वेद है जी, वो कुछ ना कुछ काम कर रही है, लेकिन आपको इसको साइंटिफिकली प्रेजेंट भी करना है, पब्लिश भी करना है सर। जी जी सर, तो लेकिन इत्तेफाक से सर वो दोबारा पर्चा लेके नहीं आया था, पहले रिपोर्ट लेके नहीं आया था, तो केवल रिपोर्ट दिखाने आया था मुझे सर जो है। तो अभी कह रहा था अभी साइंटिफिक वे में करेंगे तो और भी 10 लोग सीखेंगे आपसे कि ऐसा होता है। आपने सिर्फ कंसल्टिंग लिया होगा, लेकिन आपको मालूम है ऐसी केसेस के एक दिन का चार्ज 50,000 आईसीयू में लगता है, और वहां पे भी ट्रायल ट्रीटमेंट चलता है, उसका कोई गारंटी नहीं, इसके लिए सिग्नेचर लिया जाता है। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, और ये बात छोड़ी दीजिए कि आयुर्वेद कैसे कर सकते हैं, हमसे मिराकल कैसे हो सकता है। आई एम डूइंग इट लास्ट 26 इयर्स, अरविंद सर इज प्रैक्टिसिंग हो रहे हैं, और काफी सारे प्रैक्टिशनर, अभी आरती मैम का सुना ना आपने, बस खुद पे फेथ रखिए और आयुर्वेद पे फेथ रखिए।
या इट्स गोइंग टू बी मिरेकल, बस इसको मेन पैथी बनाने तक सब लोग जुड़े रहिए, क्योंकि अभी भी आयुर्वेद मेन पैथी अभी तो मतलब इतने मिरेकल हो रहे हैं, जो सर ने जब से ग्रहणी पढ़ाया तो ग्रहणी के इतने पेशेंट आ रहे हैं कि सर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और इतनी पुरानी पुरानी ग्रहणी ठीक हो रही हैं, इवन बीएचयू से जो हमारे दीक्षित जी कंसल्टेंट, उनसे भी लॉट ऑफ पेशेंट सर ठीक हो रहे हैं, तो अभी तो मेरे पास ग्रहणी के पेशेंट बहुत सारे हैं सर, और सब ठीक हो रहे हैं। भाई तो कितना मजा आ रहा है जी। जी सर जी, अभी कविता मैम को हम एक बार बुलाएंगे, मैम बताएंगे कैसे करना है सब चीज, और फिर हम सब उसी लाइन से शुरू कर देंगे डेटा कलेक्ट करना। जी मैम, जो कह रही थी डाटा वाली प्रॉब्लम, अभी हमारे यहाँ है, हम लोग डाटा नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली जो स्कीम लॉन्च की है कि सारे मेडिकल ऑफिसर्स को डाटा जो है फीड करना है, जितने भी पेशेंट देखेंगे सबका डाटा रहेगा, तो ताकि हम लोग कहीं उसको प्रेजेंट कर सकें। सर अभी जो मैडम बता रहे थे कि सीसीआरए के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ प्रोजेक्ट अडॉप्ट करने के लिए, ये बोलिए ना डॉक्टर नवीन जोशी सर को, बोलिए ना कि कोलैबोरेट हो जाए, और हम जरूर करेंगे हम। और हमारे यहाँ मैं अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सीसीआरएस के साथ हमारे यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेशन भी हुआ है, मर्म चिकित्सा पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है सीसीआरएस। जहाँ तक बात है तो सिंगल केस स्टडी में हम लोग निश्चित रूप से एक प्रपोजल दे सकते हैं, और काम कर रहे हैं वो इसको इसके थ्रू जो है वो जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं जी। थैंक यू नवीन सर फॉर योर इनिशिएटिव। सर आयुष दर्पण का भी एक प्रेजेंटेशन जो है कैसे पेपर्स लिखा जाए और किस प्रकार से जो है रिसर्च किया जाए, इस पे जरूर एक दो लेक्चर्स उनके हम लोग इस पे करेंगे। कविता मैम से बात करूंगा, और आप लोगों ने शायद कविता मैम को देखा नहीं है, इतनी सुंदर भी है, इतनी इंटेलिजेंट भी है, इनसे ऐसे पॉजिटिव वेव्स आते हैं, सबसे सुंदर है और इतना इंटेलिजेंट है, क्या बोले। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, जो बोलते सर मैंने तो देखा है सर, ब्यूटी विद ब्रेन। जी सर मैंने, जी सर मैंने तो देखा है सर। हाँ ऑन करके दिखा दीजिए, मतलब हमें भी दर्शन मिल जाए। मैम प्रेजेंटेशन करेंगी ना तो आप देखिएगा एकदम सरस्वती का जी। नहीं नहीं आप ब्यूटी वाला पार्ट भूल जाइए ठीक है। अभी हम जो भी आयुष दर्पण पे सुबह आते हैं ना संगीता सुनने के लिए, वो सब कितने देखे, कितने अच्छे है, कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती है यहाँ से जी। आप जरूर अपना जो है एक डिटेल हमें दीजिएगा मैम। कविता मैम आप बताइए आपका सिंगल केस स्टडी कैसे करें, ये कम से कम पता चले उनको ना। कविता मैम आप सभी को हेल्प करिए, अभी आप कब आ सकती हैं आप खुद ही बताइए। सर मैं टाइम डिसाइड करके आपको, क्योंकि अभी थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, जैसे कोई है नहीं इंस्टीट्यूट में। मैम आप अपना प्लीज नंबर शेयर करिएगा और ईमेल। मैम है ना ग्रुप में। हाँ जी थैंक यू मैम, पर जरूर टाइम निकालिएगा मैम, और कंफर्टेबल टाइमिंग निकालिएगा। मतलब दो अश्विनी कुमारों का डीपी लगाया मैम ने, मैम है ग्रुप में, मैं शेयर कर दूंगी मेरा नंबर। और कोई फोन मत करेगा मैम को, नहीं तो परेशान हो जाएंगी, मैम का बहुत लोड रहता है काम का, मैम खुद ही आएंगी सबको बता। मैं तो करूंगी फोन। नहीं करिए लेकिन बार बार ऐसे, मतलब उनको इरिटेट ना हो बस। करिए आप अपनी मैडम है। अच्छा तो कोई शांति पाठ करेगा, कोई प्रेयर करना चाहेगा अभी, क्योंकि टाइम हो गया है। आज तो कविता मैम का इतना अच्छा लगा ना कि सुनते रहो सुनते रहो। एक बार वो पैटर्न शेयर हो जाए, आई थिंक डाटा जो उसके एसी की बोल रही, दो दिन में इतने मिल जाएंगे कि दो साल लगेंगे स्टडी करने में। हाँ जी अभी डाटा का कमी है जो बोल रहे थे ना, एक बार वो रिसर्च का और पब्लिश का कैसे करना है मिल जाए यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस, तो इतने सारे प्रैक्टिशनर जब पोस्ट करेंगे तो डाटा इतना मिल जाएगा दो ही दिन में, बहुत दिन लगेंगे उसे स्टडी करने में, बोल रही थी। हाँ तो कविता मैम को हम बुलाते हैं इनका टाइम लेके, ये कब बताएंगी प्रेजेंट करेंगे हमें सिखाएंगे, तो फिर सब अच्छा हो जाएगा ठीक है। अंजना मैम आप कोई प्रेयर कर देंगी क्या, अंजना मैम या वंदना मैम। नमस्कार, शुक्रिया सभी लोगों को, आज बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि रिसर्च के डाटा अगर हम लोग कलेक्ट कर लें और उसको मतलब कम से कम पब्लिश करा के एक दूसरे तक पहुंचा देंगे तो
सबसे बड़ी बात क्या होती है ना सर कि हम पब्लिश करके दूसरे के विचारों को सुनते हैं तो जो पढ़ता है वो भी आगे के लिए सोचता है कि नहीं हम ऐसा और कुछ कर सकते हैं या फिर और इनोवेशन शुरू होता है उससे। और बहुत अच्छा लगा आज सच में नवीन सर को, आपको, स्पेशली कविता मैम को, सबने बहुत मन से सुना और इसीलिए सभी का बहुत बहुत आभार। मैं भी लगातार सुनी जा रही थी, लग नहीं रहा था कि आज 8 बज रहा है और आप कहते हैं तो मैं वही माँ की वंदना कर देती हूँ। 32 जो मैं नाम पूजा में लेती हूँ मैं आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ और सभी लोग का दिन शुभ हो इसी कामना के साथ में मैं पढ़ रही हूँ। जय देवी माता दुर्गा दुर्गा शमनी दुर्गा पदवि निवारणी दुर्गम छेदिनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतो धारणी दुर्ग नियंत्रणी दुर्गम आपहा दुर्गम ज्ञान दा दुर्ग देते लोक दवानला दुर्गमा दुर्गम आलोका दुर्गम आत्म स्वरूपिणी दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गम आशिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्गम अर्थ स्वरूपिणी दुर्गमा सुर संहत्री दुर्गम आयुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग दायिनी नामावली माम्यस्तु दुर्गाया मम मानवा पठेत सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशया। जय माँ दुर्गे। जी सर। डॉक्टर मनीषा मैम आप शांति पाठ या कोई प्रेयर करेंगी? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम जी सर। मनीषा मैम कैसा लगा कविता मैम के सब ऐसे हमें करना चाहिए ना? जी सर बहुत बहुत अच्छा लगा और आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे ये होना तो चाहिए ही और ये डिमांड भी है और इसमें हमारे बहुत सारे वैद्यगण ऐसी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाने से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यहीं पे बाधा है सर सिर्फ आयुर्वेद को आगे बढ़ने का। और मैम ने इतना अच्छा जानकारी दिया, थैंक यू मैम। और नवीन सर को भी बहुत बहुत थैंक्स, सर आपको स्पेशली थैंक्स, सबको आपने इतने अच्छे से मोटिवेट किया और आगे बढ़ाया। रवि सर ने भी अपना इतना योगदान दिया और अरुणिता मैम तो है ही हमारी सबसे बड़ी साइंटिस्ट, अंजना मैम है, सबको बहुत बहुत थैंक्स सर। बस उनको प्लेटफॉर्म ही चाहिए था, हम लोग सब इतना काम करते हैं इन चीजों को प्रेजेंट करें तो हमारे वैद्यगण को ही कितना बेनिफिट मिले। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सर शांति पाठ करती हूँ और सभी गुरु तुल्य जो भी हैं ज्ञान देने वाले सभी को नमन करते हुए। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, 5 भौतिक चिकित्सा पे लेक्चर होगा, 7 बजे सब लोग जुड़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।